वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन में बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलतियां हो जाती है कि कहां लेफ्ट राइट मुड़ना है, तो राइट को लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट को राइट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं पेपर पर, तो डायरेक्शन में किधर हमारा नॉर्थ होगा, किधर साउथ होगा, किधर ईस्ट होगा, किधर वेस्ट होगा। आप स्टूडेंट लाइफ में जब आप एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे होंगे, उस समय डायरेक्शन के बारे में मैप के द्वारा आपको ज्योग्राफी के क्लास में बताया गया होगा। तो डायरेक्शन का बड़ा महत्व है और डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर रहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। डायरेक्शन वेस्ट क्वेश्चन, दिशा संबंधी। डायरेक्शन में बेटे सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, देखो आप लोगों को पता होगा, ज्यादा इसमें समय नहीं लेते हुए मैं आपको बताऊंगा। ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। मैथ में भी ऐसा ही आपको सिखाया गया होगा। अगर हम नॉर्थ के तरफ जाते हैं और राइट टर्न करेंगे तो हम ईस्ट के तरफ जाएंगे, और अगर हम लेफ्ट टर्न करते हैं, लेफ्ट का मतलब बायां हो गया, राइट का मतलब दायां हुआ, लेफ्ट टर्न करते हैं तो हम वेस्ट के तरफ जाते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, अगर आप साउथ में जा रहे हैं और अगर आप राइट टर्न करते हैं तो आप वेस्ट के तरफ जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आप ईस्ट के तरफ जाएंगे। उसका जस्ट उल्टा होगा, ये दिमाग में रखना है हमेशा। अगर आप ईस्ट के तरफ जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग इन ईस्ट, ईस्ट का मतलब जिधर सन लाइट निकल रहा हो अर्ली इन द मॉर्निंग, राइजिंग सन को देखें, वह ईस्ट होता है। उसके जस्ट अपोजिट में वेस्ट होता है। दाया हाथ आपका साउथ हो जाएगा और बाया हाथ आपका नॉर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कि आप ईस्ट में हैं, जस्ट इसके अपोजिट। लेकिन जब हम मैप में देखते हैं तो मैप में थोड़ा उल्टा हिसाब होता है, इसलिए मैप में देख करके दिमाग पर आप जोर डालेंगे। अगर ईस्ट के तरफ जाते हैं, अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप साउथ के तरफ जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आप नॉर्थ के तरफ जाएंगे। जस्ट इसके अपोजिट, अगर आप वेस्ट के तरफ जा रहे हैं, अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो नॉर्थ के तरफ जाते हैं। राइट का मतलब दायां हो गया और लेफ्ट का मतलब बायां हो गया, और अगर आप लेफ्ट के तरफ जाते हैं तो साउथ हो जाएगा। कभी कभी डायगोनली भी चलना पड़ता है हमको। ये जब डायगोनली चलते हैं ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट कहलाता है, और ये डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गया होगा तो डायरेक्शन के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, राइट टर्न करेंगे तो ईस्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे तो वेस्ट की तरफ जाएंगे। अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट टर्न लेंगे तो आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे तो ईस्ट की तरफ जाएंगे। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट टर्न लेते हैं तो साउथ की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे।
अगर वेस्ट के तरफ जाते हैं राइट टर्न करेंगे तो नॉर्थ के तरफ जाएंगे, और लेफ्ट टर्न करेंगे तो हम साउथ के तरफ जाएंगे। अगर डायगोनली हम चलते हैं तो यह नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, यह साउथ ईस्ट कहलाता है, यह साउथ वेस्ट कहलाएगा, यह नॉर्थ वेस्ट। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा होगा, यहाँ नॉर्थ ईस्ट क्यों लिखा गया है, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा जाता है। तो देखो बेटे, अर्थ में दो पोल होते हैं, जो भी डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया और इधर वाला साउथ पोल हो गया। तो जो भी डायरेक्शन का इंडिकेशन होता है इसी के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है और ये जो है नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, क्योंकि तो इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया। ये डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट कहलाएगा और ये डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट कहलाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं देखो बेटा, इसमें एंगल पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो ये आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अगर मान लो तुम ईस्ट के तरफ देख रहे हो, अगर हम क्लॉक वाइज टर्न करते हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, अगर हम 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और अगर हम एंटी क्लॉक चलते हैं तो ये जो है डायरेक्शन हमारा 90 डिग्री, मान लो एंटी क्लॉक चलते हैं तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर अगर नॉर्थ से हमें वेस्ट की तरफ आना है तो हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। अगर इससे भी वेस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे तो एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, क्योंकि इसमें एक तो डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है और एंगल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीजें हैं। अगर क्लॉक वाइज होगा तो ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे और नॉर्थ से फिर ईस्ट की तरफ जाएंगे। अगर एंटी क्लॉक होगा तो एंटी क्लॉक में इधर जाएंगे, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है, बस डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको आराम से निकल जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है कभी कभी पजल टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो डायरेक्शन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, उसके बाद एंगल किस तरह से मूव करता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। देखिए क्वेश्चन शुरू होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बना लेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ही टर्न, एक आदमी जो है ईस्ट की तरफ देख रहा है, एंटी क्लॉक वाइज जो है वह 135। देखो यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो 90 हो जाएगा, और इधर और आगे बीच में तो यह जो है 135 हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। फिर यहाँ पहुँचने के बाद देन 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री क्लॉक का मतलब जिधर से आया था उधर चला जाएगा, तो ये 45 हो गया, 45 इधर ले लेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी है इसमें निकालने का, कि जैसे
क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव मान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मान लीजिए। निगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो। अब देखो 135 डिग्री जो है आपका एंटी क्लॉक है, इसका मतलब -135 और 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो प्लस हो गया 90 डिग्री। दोनों का रिजल्ट वैल्यू जब निकालोगे तो -45 आएगा। -45 का मतलब होता है एंटी क्लॉक। इसका मतलब है कि हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आदमी ईस्ट के तरफ देख रहा है, हमारा फाइनल रिजल्ट 45 आया है निगेटिव में, यानी एंटी क्लॉक हम यहीं से मुड़ जाएंगे 45, क्योंकि टोटल 90 होता है तो यहाँ मुड़ जाएंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगा, आपका आंसर नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो या तो इस तरह से बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप एक फिगर से भी आपका काम चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ध्यान देना बेटे, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में एक आदमी देख रहा है, यानी इस डायरेक्शन में देख रहा है। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब इधर चलेगा 90 डिग्री, तो यहाँ आ गया 45 और 45। अब देखो देन 135 एंटी क्लॉक, यहाँ से 135 एंटी क्लॉक का मतलब है ये तो 90 हो गया और ये 45 मिल गया, यानी अब उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अब उसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ में हो जाएगा, आंसर आपका नॉर्थ हो गया। देखो बहुत आसानी से हम निकाल लिए। अब देखो उस तरीके से भी अगर बनाओगे तो प्लस 90 हो गया और -135 हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू भी -45 डिग्री हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर जो है आपका इस डायरेक्शन में था पहले, -45 आया है, इसका मतलब एंटी क्लॉक हो गया। एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन का मतलब यहाँ से इधर डायरेक्ट हम कर देंगे, यानी आपका ये है नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में वो है एंटी क्लॉक 45, तो यहाँ पर इधर आएगा, इसका मतलब नॉर्थ आपका आंसर होगा। या तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, इससे कम समय में ये बनेगा, तो जो तरीका आपको सूट करता हो उस तरीका का इस्तेमाल करें, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ध्यान दीजिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट का मतलब इधर है, ये टर्न 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब इधर हो जाएगा, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ से 180 एंटी क्लॉक का मतलब इधर आएगा, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद एंड अनदर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में 90 का मतलब है ये 45 हो गया, इधर भी 45 लेंगे, यानी अब इस डायरेक्शन में होगा, तो भी डायरेक्शन इज फेसिंग नॉर्थ, इसका आंसर आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगर हम उस तरह से भी बनाएंगे तो 90 डिग्री आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, प्लस हो गया, प्लस 180 डिग्री एंटी क्लॉक है, मतलब -180 हो गया, फिर सेम डायरेक्शन का मतलब यह भी माइनस प्लस -90 हो जाएगा। अब देखो 90 डिग्री -180 डिग्री -90 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा,
तो माइनस 180 आएगा. इसका मतलब है हमारा कि सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट में थे तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना. तो ऐसे करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. अब देखो नॉर्थ वेस्ट का तरफ इधर है डायरेक्शन. हमारा जो रिजल्ट वैल्यू आया है माइनस 180 आया है. माइनस 180 डिग्री का मतलब है जस्ट अपोजिट. चाहे आप क्लॉक ले लें या एंटी क्लॉक लेंगे, अगर एंटी क्लॉक लेते हैं तो पर भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर साउथ ईस्ट हो जाएगा. तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, जल्दी बनाने के लिए यही तरीका अपनाना ज़्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, आशीष वॉक्स 20 मीटर टू आवर नॉर्थ. अब देखो ध्यान से, यहाँ जो है तुमको, क्योंकि शुरू में जब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्शन वाला पहले आप बना लेना, उसके बाद जब याद हो जाएगा तब आप देखो. आशीष वॉक्स 20 मीटर टू आवर नॉर्थ की तरफ जा रहा है 20 मीटर. ही देन टर्न लेफ्ट. अब देखो नॉर्थ की तरफ जब जाता है, राइट टर्न करे तो उधर करेगा, लेफ्ट करेगा तो इधर होगा, यानी वेस्ट की तरफ जाएगा 40. ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी वेस्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो साउथ में, और फिर 20 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट. अब यहाँ से राइट टर्न ले रहा है, देखो लेफ्ट लेता तो इधर जाता, राइट टर्न ले रहा है 20 मीटर. तो कह रहा हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन. ओरिजिनल पोजिशन ये है और यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये आपका 40 है, तो ये भी 40 हो गया. टोटल अगर देखोगे तो 40 प्लस 20, इसका मतलब आपका 60 मीटर हो जाएगा. ये आपका आंसर हो गया. तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो बेटे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कैसे फटाफट कर सकते हैं. इसमें डायरेक्शन पूछा है, तो जब डायरेक्शन पूछे तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर बड़ा हो तो राइट देख लो कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं. ध्यान दो, एक काइट रन 20 मीटर टू आवर ईस्ट की तरफ जा रहा है, टर्न टू राइट. देखो यहाँ राइट है एक, फिर यहाँ राइट है, फिर यहाँ लेफ्ट है, फिर यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है. देखो राइट तुम्हारा दो बार आया है इस क्वेश्चन में, और लेफ्ट आपका 3 बार आया है. क्वेश्चन में कहाँ कितना मोड़ना है लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं हमको. राइट लेफ्ट कट गया, सिर्फ एक लेफ्ट बचा है. अब देखना है किस डायरेक्शन में जा रहा है. पहले ईस्ट में जा रहा है, लेफ्ट टर्न करेगा, इसका मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा. आपका आंसर निकल गया. ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, और उसमें जरा मना भी गलती हो गया तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, डायरेक्शन ही चेंज होगा. तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया, कई बार राइट कई बार लेफ्ट है, तो कितने बार राइट है कितने बार लेफ्ट है ये नोट कर लो. दो राइट को दो लेफ्ट से काट दिया, एक लेफ्ट बचा, ईस्ट के तरफ जा रहा था, ईस्ट के तरफ जा रहा था, और लेफ्ट टर्न करना है, इसका मतलब नॉर्थ के तरफ होगा, तो हमारा आंसर नॉर्थ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रेसू वॉक्स 10 मीटर टू आवर नॉर्थ. ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. रेसू नॉर्थ के तरफ जाता है 10 किलोमीटर. फ्रॉम दिस ही वॉक 6 किलोमीटर साउथ. फिर यहां से
6 किलोमीटर साउथ की तरफ, यानी यहाँ पर पहुँच करके फिर नीचे आ गया 6 किलोमीटर, मान लो यहाँ आ गया। द सी वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, कह रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 था, 6 नीचे आ गया, इसका मतलब ये 4 है। तो विच डायरेक्शन इज सी विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ है, यहाँ से किस डायरेक्शन में है ये पूछा है तुमसे। देखो ध्यान से, अब यहाँ से डायरेक्शन तो यहीं से लाइन की, तो ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, यहाँ पर रेशो पहुँची है, तो ये आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के तरफ वह पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पी मोस्ट वार साउथ ईस्ट, ध्यान देना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हाँ देखो बेटे, ये क्वेश्चन है कि शिल्पी मोस्ट वार साउथ ईस्ट, ये डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, सी मोस्ट वार्स बेस्ट, देखो शिल्पी मोस्ट वार्स साउथ ईस्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, सी मोस्ट वार्स बेस्ट एंड ट्रेवल 14 किलोमीटर, फ्रॉम हेयर सी मोस्ट वार नॉर्थ वेस्ट, ये डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर, एंड फाइनली सी मोस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टू बार ईस्ट, एंड आई स्टूड एट दैट पॉइंट, तो हाउ फार इज सी स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर स्टूड, जहाँ पर खड़ी है किस डायरेक्शन में ये पूछा है, और कितना डिस्टेंस पर पूछा है ना। हाउ फार इज सी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टूड, जहाँ खड़ी है वहाँ से कितना डिस्टेंस पर, ध्यान से देखना। शिल्पी मुबार सुबार साउथ ईस्ट, ध्यान देना बेटे, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, है ना, यानी यहाँ से नीचे की तरफ 7 किलोमीटर। उसके बाद सी मोस्ट वार बेस्ट, यहाँ पहुँचने के बाद बेस्ट की तरफ जाती है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में, और 14 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर सी मोस्ट वार नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट का मतलब है इस डायरेक्शन में जाएगी, और 7 किलोमीटर ही है। उसके बाद जो है फाइनली सी मोस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टू बार ईस्ट, यहाँ से ईस्ट के तरफ 4 किलोमीटर, यहाँ पर आकर के वो खड़ी हो गई है, यहाँ से चलना शुरू किया था। अब आपसे पूछा है हाउ फार इज सी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर स्टूड, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये जो है पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसको समांतर चतुर्भुज कहा जाता है हिंदी में, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये जब 14 है तो ये भी टोटल 14 होगा, तो ये 4 होगा, तो ये 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 14, इसका मतलब है कि आपका आंसर 10 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देखो यहाँ डायरेक्शन ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, इसका मतलब यहाँ से ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर गया। देन ही टर्न टू साउथ, फिर साउथ में जाता है 5 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर गया। अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड बैक 9 किलोमीटर,
यहाँ से ईस्ट के तरफ जाता है 9 किलोमीटर। सॉरी मैं ये गलत हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, ये माइन बॉक्स 1 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड 5 किलोमीटर अगेन ही टर्न टू ईस्ट। अब देखो यहाँ एक चीज छूटा हुआ है क्वेश्चन में, ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर एंड अगेन टर्न 9 किलोमीटर। देखो यहाँ से जो है ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद फिर यह नॉर्थ की तरफ जाता है 9 किलोमीटर। मान लो यहाँ पहुँच गया, ये 9 किलोमीटर होगी। अब आपसे पूछा है, देखो यहाँ से चला पहले, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर नॉर्थ की तरफ चला। अब आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, इसको मिला देंगे, ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 किलोमीटर, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये 5 है तो इधर भी 5 होगा, तो ऊपर में 4 किलोमीटर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, आपसे इसका पूछा है। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे 10th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पढ़ा होगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच जो है कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में कहें तो ये हाइपोटेनस है, इधर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये निकालना है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 होगा, इसका मतलब 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका 5 किलोमीटर आंसर निकल गया, ठीक है बेटे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। इफ एक्स इज टू द साउथ ऑफ बाय, तो सबसे पहले हम बाय को लेंगे, एक्स जो है उसके साउथ में है एंड जेड इज टू ईस्ट ऑफ बाय, जेड जो है ईस्ट में है। अब आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन इज एक्स, एक्स का डायरेक्शन पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू जेड, यहाँ से देखना है, जेड से देखना है कि एक्स का क्या डायरेक्शन, तो जेड से पूछा यहाँ पर एक लाइन खींच दो, ये नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। जेड से जब देखेंगे एक्स को तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। साउथ वेस्ट का मतलब हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम एन ओ एन पी आर प्लेइंग ए गेम ऑफ कैरम, कैरम बोर्ड जानते होंगे आप लोग, यानी स्क्वायर शेप में बना होता है। कह रहा एम ओ एन एन पी, ध्यान देना डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अंदर में ही डायरेक्शन हम बना लेते हैं। एम ओ एन एन पी आर पार्टनर्स, पी इज टू द राइट ऑफ ओ, पी इज एंड एन इज फेसिंग ओ, ओ हु इज फेसिंग वेस्ट, ओ जो है वेस्ट की तरफ देख रहा है, इसका मतलब वो यहाँ हो जाएगा तभी वेस्ट की तरफ देखेगा।
पी टू द राइट ऑफ ओ, पी जो है पी ओ के राइट में ध्यान देना बेटे, इधर अगर जाएंगे तो राइट होगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट होगा। हमेशा ध्यान रखना जब स्क्वायर में बैठा हो या सर्कल में बैठा हुआ हो तो जो एंटी क्लॉक होता हुआ राइट होता है, जो क्लॉक वाइज होता हुआ लेफ्ट होता है, तो ओ के राइट में पी यहाँ हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एम ओ एंड एन पी आर पार्टनर, एम ओ और एन पी, तो पी यहाँ है तो एन यहाँ हो जाएगा, और एम ओ पार्टनर है, ओ यहाँ है तो एम यहाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि देन एन इज फेसिंग, एन का चेहरा किधर होगा, तो एन जब यहाँ बैठा हुआ है, पी यहाँ बैठा हुआ है, ओ यहाँ बैठा है, एम यहाँ बैठा हुआ है, तो एन का चेहरा होगा वह नॉर्थ के तरफ होगा। इसका मतलब आपका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटे, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा, पहले तो ओरिजिनल हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कह रहा है। साउथ ईस्ट जो है वह नॉर्थ हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ से एक टूटी हुई लकीर बना लें। यह जो है हमारा साउथ ईस्ट नॉर्थ बन रहा है, ये आपका नॉर्थ बन रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि ये आपका साउथ बन जाएगा, और नॉर्थ के क्लॉक वाइज में इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होगा, वेस्ट होगा। देखोगे ध्यान से डायरेक्शन, नॉर्थ के क्लॉक वाइज में ईस्ट है तो नॉर्थ यहाँ तक क्लॉक वाइज में ईस्ट हो गया। अब आपसे पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है देखो, नॉर्थ ईस्ट बिकम बेस्ट, इसी तरह से आगे भी चलेगा तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो व्हाट विल बेस्ट बिकम, तो जो ओरिजिनल बेस्ट है अब क्या कहलाएगा, तो ओरिजिनल बेस्ट ये है और इस किस घेरे में आ गया, साउथ ईस्ट में आ गया, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर साउथ ईस्ट हो गया, ESE, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉच रीड्स 9:30, इफ द मिनट हैंड पॉइंट ईस्ट, इन विच डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंट। अब देखो ये सर्कल है, क्लॉक है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9:30 है, इसका मतलब है कि एक सुई आपका यहाँ पर होगा, दूसरी घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, 9:30 बज रहा है। इन विच डायरेक्शन मिल द आर हैं, अब देखो इसको यहाँ सीध में हम करेंगे और इसको इधर सीध में करेंगे। अब देखो कह रहा है मिनट हैंड, ये जो है ईस्ट को शो कर रहा है, ऑटोमेटिक है कि ऊपर वाला क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखो ये जो 9:30 वाला है, घंटे की जो सुई है, वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, तो आपका जो आंसर होगा, इन विच डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंट, आर हैंड का जो पॉइंट होगा साउथ बेस्ट होगा, यहाँ छुटा हुआ है, साउथ में होगा, सिर्फ साउथ बेस्ट हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन इन घेरे के अंदर में कहीं भी होता है तो दोनों डायरेक्शन को ही हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि एंगल हमसे पूछा नहीं है, नहीं तो एंगल साउथ के
क्योंकि 9:30 है तो 9 और 10 के बीच में होगा। यहाँ पर भी अगर सुई होती है तो वही कहलाएगा, यहाँ भी सुई होगी तो वही कहलाएगा, यहाँ भी सुई होगी तो वही कहलाएगा। यानी इन दोनों घेरे के बीच में कहीं भी है तो दोनों डायरेक्शन के लपेटे में आ जाएगा, यानी साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है बेटा, आप डायरेक्शन में मैंने डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, फिर अगले पार्ट में और भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि इसमें पजल टेस्ट के भी क्वेश्चन आता है जो डायरेक्शन से रिलेटेड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट तरह के कम्पटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह SSC का कर रहे हों, बैंकिंग का कर रहे हों, रेलवे का कर रहे हों, TGT PGT का कर रहे हों, या और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।